हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल एमपी साउंड टीच। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कुछ भी इमुलेटर बता देते भाई आज का ये वाला इमुलेटर है तो ये वाला बढ़िया है, कल स्मार्ट गागा का बता देंगे, कल एलडी प्लेयर का बता देंगे, आज ब्लू स्टेक्स का बता देंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ और मैं आपको उसकी सलाह देता हूँ। तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ आज का इमुलेटर कौन सा और बेस्ट इमुलेटर कौन सा है, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट और से बेस्ट लाता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इमुलेटर है जैसे कि पुराने वर्जन के है स्मार्ट गागा ने, ये कह रहे थे ये बहुत पुराने हैं। इनमें कह रहे हैं हमारे फ्री फायर जो हम गेम खेलते हैं, फ्री फायर या कोई से भी अदर गेम खेलते हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करता क्योंकि एंड्रॉइड 11 प्लस नहीं रहता है इन्होंने। मैं आज जो आपको इमुलेटर बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा इमुलेटर है, मेड इन इंडिया नहीं है। बस ये प्रॉब्लम है कि ये मेड इन इंडिया नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, तो इसका नाम है लेनोवो वन फ्यूजन। आपको इसको डाउनलोड करना है, क्या है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम पे जाना है, वीपीएन लगा लेना है। मैं बता देता हूँ पहले ये बिना वीपीएन का डाउनलोड नहीं होगा, आपको वीपीएन लगा ही लेना है क्योंकि वीपीएन से क्या होता है कि यह दूसरे सर्वर का है, चाइना का है, मेड इन चाइना शायद इसलिए उन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले आपको वीपीएन लगा लेना है किसके सर्वर का, फिर आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है लेनोवो इमुलेटर डाउनलोड। तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, पहली वो डायरेक्ट आपको मीडिया फायर पे ही ले जाएगी, ठीक है। लेनोवो वाले ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, वो आपको मीडिया फायर से ही डायरेक्ट आपको डाउनलोड पे करने की थी। लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज्यादा स्लो स्पीड देखने को मिलेगा कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो रहा, मतलब भाई एक एक एमबी भी बहुत देर में होती जा रही है। इसलिए मैं आपको दूसरी लिंक देने की ट्राई करूंगा, अगर मेरे को दो लिंक मिलती है तो मैं दोनों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा इसकी जो कि स्लो डाउनलोड होती है उसकी आपको मैं डायरेक्ट दे भी दूंगा लिंक। और आपको गूगल पे जो मैंने प्रोसेस बताई आपको गूगल पे जाकर लिखना है लेनोवो इमुलेटर और वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा लेकिन स्पीड बहुत स्लो रहेगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको फास्ट डाउनलोड की भी लिंक देने की ट्राई करूँ, अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं भी आपको दे दूंगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो कि इसमें आपकी गाथा है, क्योंकि आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लोगे फिर भी आप उसको चला नहीं पाओगे क्योंकि मेड इन चाइना है, चाइना की चीज है, तो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखो वैसे होता क्या है कि अगर आपकी इसमें हाइपर व्यू वर्चुअलाइजेशन जो बोलते हैं उसको वो इनेबल है तो ठीक है, तो आप उसको ऑफ कर देना, उसमें ऑफ नहीं होगा। उसमें जैसे ब्लू स्टेक्स करता है उसमें डायरेक्ट आपको रिपेयर वाला ऑप्शन बताएगा कि आपका वर्चुअलाइजेशन होने इसको रिपेयर कर, तो आप रिपेयर पे क्लिक करके आपको आपका एक बार लैपटॉप या किसी को रिस्टार्ट मार लेना, तो उसके बाद वह चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपने मान लो आपने डाउनलोड कर लिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपका ओपन हो गया, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि ये पुराने वर्जन का है, आपको इसको लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड करना है, तो आपको वहाँ पे उसको लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड कर ही लेना है, आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको उसका लेटेस्ट वर्जन पे पहले डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड नहीं करते तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपका फेसबुक से लॉगिन नहीं होगा, नहीं गूगल से लॉगिन होगा क्योंकि पुराना ब्राउजर आता है उसमें, इसलिए आपको पहले उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। जिसे डाउनलोड वाला आएगा अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में अपडेट में जाना है और वहाँ से आपको एक बार इसको अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन पे, आपको अपडेट हो जाएगा तो अपडेट, लेकिन आपको इसमें प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्ले स्टोर के लिए आपको क्या करना रहेगा, जब इमुलेटर की जो स्क्रीन रहती है उस पर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक गूगल टूल्स नाम से एक फोल्डर मिलेगा। तो गूगल टूल्स पर आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर उसके अंदर आप जैसे जाओगे तो गूगल वाला भी जाएगा, तो वहाँ पे एक मिलेगा आपको नेट फायर वर्क 3.0 डाउनलोड, तो आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वो भी कुछ एमबी लेगा, जैसे 400 MB का ये इमुलेटर हो जाएगा तो 200-300 MB का वो उधर भी टाइम लेगा, तो आपको उसको भी और इसको दोनों को डाउनलोड कर लेना है, उधर नेट फायर वर्क को डाउनलोड कर लेना है आपको। उससे क्या होगा आपको प्ले स्टोर डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पर आपका जो पीसी का जो इमुलेटर रहेगा वन फ्यूजन जो हमारा है लेनोवो इमुलेटर, उसमें आपको प्ले स्टोर का ये पहले से इंस्टॉल नहीं देखने को मिलता है, तो बाद में इंस्टॉल हो जाएगा उस चीज से। सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल के लिए आपको फ्री फायर डाउनलोड करना है तो आपका प्ले स्टोर आ जाता है, तो आप फ्री फायर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मल फ्री फायर चलाना है, नॉर्मल फ्री फायर के लिए आपको आपके गूगल क्रोम से वहाँ से ही चाहे आप इमुलेटर से करो या फिर आपके पीसी से करो या आपके मोबाइल से करो, आपको गूगल क्रोम से नॉर्मल फ्री फायर का एपीके डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके ओबीबी फाइल याद रखो, ओबीबी फाइल करना है आपको, ओबीबी फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि ओबीबी फाइल को कॉपी पेस्ट इधर उधर से करना पड़ेगा, इसलिए आपको उसकी ओबीबी भी डाउनलोड करनी है और उसका एपीके भी डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार मैं शॉर्टकट में बता दूँ, सबसे पहले आपको इसको इसको जैसे आप खोलते हो तब आपको इसको अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद आपको इसमें गूगल का एक फोल्डर मिलेगा गूगल टूल नाम से, उसमें से आपको प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर वहीं से इंस्टॉल होगा, वहाँ पे गूगल फ्रेमवर्क कुछ हिस्सा लिख कर आएगा, उसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है। मुझे भी इसमें फेसबुक लॉगिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेसबुक से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत रही थी मेरे को। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको पहले इसको अपडेट कर लेना, अगर आप ये अपडेट कर लोगे ना तो आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम का फोल्डर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फेसबुक लॉगिन कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इसको अपडेट नहीं करोगे तो आपको भाई चलेगा ही नहीं, गेम तो चल जाएगा लेकिन फेसबुक से लॉगिन नहीं होगा, गेस्ट अकाउंट से बनाकर आप गेम खेल सकते हो और इसकी की मैपिंग भी बहुत सरल है। और मैं आपको बता दूँ ये सबसे पहले आता है गूगल प्ले बीटा, मैं रिकमेंडेड करूँगा गूगल प्ले बीटा को आप यूज़ करो, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा लेग फिक्स है, थोड़े बहुत बग है क्योंकि वो बीटा है इसलिए इसमें बग है, तो उसको पहले नंबर पे मैं रखता हूँ। फिर उसके बाद आता है ब्लू स्टेक्स, अगर ब्लू स्टेक्स आपकी इसमें नहीं चल रहा है गूगल प्ले बीटा नहीं चल रहा तो आप इसकी तरफ जाओ, और ये मैं बता दूँ ब्लू स्टेक्स से थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें ब्लू स्टेक्स में क्या रहता है क्लाउड गेमिंग मिलती है,
उसमें आप अगर BlueStacks डाउनलोड करोगे तो उसके साथ साथ मल्टी इंटेंसर और BlueStacks X ये तीन ऐप डाउनलोड होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ Lenovo वन फ्यूजन ऐप डाउनलोड होगा, सिर्फ एक ही ऐप डाउनलोड होगा, यही गेम का होगा, यही इमुलेटर होगा, बाकी सब कुछ इसी में होगा। पहले पे गूगल प्ले बीटा, दूसरे पे हमारा ये नया वाला इमुलेटर Lenovo फ्यूजन, और तीसरे पे आता है BlueStacks। और मैं बताता हूँ बाकी का तो LD प्लेयर ने इनका काम मेरे को इतना अच्छा खासा जमा नहीं है, जो खेलते हैं उनके लिए ही बढ़िया है। आज के वीडियो में बस इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे को नहीं पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट में बोल देना हाँ भाई अच्छी है, और नहीं लगी हो तो भी बोल देना भाई, ताकि मैं अपने आपको इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और आज के वीडियो में बस इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।